हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा चैनल जो है बहुत ही नया है और आप सभी का सहयोग, सपोर्ट और प्यार इसी तरह से जो है मिलता रहा और हम लोग जो है 1K सब्सक्राइबर भी हमारे कंप्लीट हो गए। तो चलिए जो है आज की इस वीडियो में जो है ना हम लोग क्लास 7th का लाइंस एंड एंगल्स पढ़ने वाले हैं, जो कि आपको क्लास 8th में भी काम करेगा और क्लास 9th में भी काम करने वाला है। तो इस वीडियो की जो है ना शुरुआत करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चैप्टर में देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइंस एंड एंगल्स। तो सबसे पहले जो है ना लाइंस क्या होता है, एंगल्स क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में भी हम लोग इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो है ना, जैसा कि आप चैप्टर देखे होंगे लाइंस एंड एंगल्स, तो देखिए लाइंस के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं कि लाइंस क्या होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ना हम लिखते हैं सबसे पहले लाइंस के बारे में। ठीक है, तो लाइंस जो है यहाँ पे अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसे, मतलब कोई भी एक ऐसे मैंने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ना ये जरूरी नहीं कि अभी यहाँ से ही शुरू हुआ है, यानी हम कह सकते हैं कि जो लाइन है ठीक है उससे कोई एंड पॉइंट नहीं होता, उसकी कोई शुरुआत नहीं होती, कोई खत्म कहीं खत्म नहीं होता है वो, उसको हम जितना तक खींचना चाहे ना उतना तक वो खींचा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो है ना इसको इसका सिंपल सा डेफिनेशन लिख सकते हैं कि इट हैज नो एंड पॉइंट, यानी लाइन का जो है ना कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। और देखिए इसके बाद जो है ना हम लोग रे के बारे में पढ़ते हैं कि रे क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है ना ये बेसिक टर्म्स हैं, क्योंकि हम लोग कोई भी चैप्टर जब पढ़ते हैं तो उसका जो बेसिक जहां से शुरुआत होता है उसके बारे में जो है हमें पढ़ना जरूरी होता है। तो अभी जो है ना हम लोग रे के बारे में पढ़ने वाले कि रे क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है ना कि रे जो है ना सिंपल सी अगर भाषा में बात करें तो आपके घरों में टॉर्च होगा, आपके घरों में क्या होगा, टॉर्च होगा। तो टॉर्च पे आप लोग देखते होंगे, जैसे अगर आपके पास टॉर्च है तो आप अभी भी देख सकते हैं, जैसे आपने यहाँ से टॉर्च को ऑन किया तो जब टॉर्च को ऑन करेंगे तो क्या होगा, इसकी जो लाइट है अगर आप स्काई की तरफ करते हैं तो वो कोई मतलब वो इन्फिनाइट तक जा सकती है, मतलब उसका कोई रेंज नहीं है कि वो कहाँ तक जा रही है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, रे। या फिर जो सनलाइट है तो आप सनलाइट का भी देखते हैं कि सन का जो लाइट है वो काफी दूरी से हमारे तक पहुंच रहा है। तो इसका मतलब ये है कि रे का सोर्स तो हमें पता है लेकिन कितनी दूरी तक जा रहा है वो हमें नहीं पता होता है। तो सिंपल सी भाषा में कह सकते हैं कि रे की जो डेफिनेशन हो सकता है वो क्या हो सकता है कि इट हैज ओनली वन एंड पॉइंट, यानी इसकी शुरुआत तो हमें पता है लेकिन इसका जो अंत है वो हमें पता नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे जो है ना सिंपल सा अगर सपोज कीजिए कि अगर ये सोर्स ए से शुरू होता है और ये आगे तक जा रहा है, हमें जो है इसके बारे में थोड़ा बहुत मतलब इसका कोई पता नहीं कि कहाँ तक जाएगा। ठीक है, तो हम सिंपल सी भाषा में लिख सकते हैं कि इट हैज वन एंड पॉइंट, इट हैज वन एंड पॉइंट। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है कि अब जो है ना हम लोग अभी लाइंस के बारे में पढ़े, रे के बारे में पढ़े, तो अभी जो है ना हम लाइन सेगमेंट के बारे में पढ़ते हैं कि लाइन सेगमेंट क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है ना हम एक काम करते हैं कि एक लाइन को ड्रॉ करते हैं। किसको ड्रॉ करते हैं, लाइन को। लाइन को ड्रॉ करने का मतलब ये हुआ कि जैसे आपने नॉर्मल यहाँ पे लाइन को ड्रॉ किया है ना, यहाँ पे आपने क्या किया, लाइन को ड्रॉ किया है, उसी तरीके से हम एक और लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, सपोज कीजिए कि यहाँ पे एक लाइन है। ठीक है, और इस लाइन पे मैंने क्या किया कि इसको जो है ना मैंने इस पॉइंट से और इस पॉइंट से क्या कर दिया, कट कर दिया। इस पॉइंट और इस पॉइंट से क्या कर दिया, मैंने कट कर दिया। कट करने के बाद जो है जैसे मान लीजिए कि ये आपका पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो ये जो पॉइंट ए और बी है इसी को हम क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात समझ ले सकते हैं कि ए बी इज ए लाइन सेगमेंट। तो अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है कि अगर ए बी यहाँ पे लाइन सेगमेंट है तो लाइन सेगमेंट क्यों है, क्योंकि इसका दो एंड पॉइंट है, यानी लाइन सेगमेंट जो है लाइन से ही बना है लेकिन इसका क्या करते हैं, हम कहीं से लाइन में से ही कट कर देते हैं और इसका दो एंड पॉइंट बन जाता है। तो इसका इसका डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, इट हैज टू एंड पॉइंट, यानी अगर हम बात करते हैं तो इसका जो है ना लाइन सेगमेंट का दो एंड पॉइंट होता है। ठीक है, तो अभी जो है ना हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए जो है अभी हम लोग जो है ना लाइंस के बारे में तो पढ़ लिए, लाइंस के बारे में समझ लिए कि लाइंस क्या होता है। ठीक है, तो अभी जो है ना हम लोग समझने वाले एंगल्स के बारे में कि एंगल्स क्या होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है ना अगर हमारे लाइफ में इसकी एंगल्स का इंपॉर्टेंस क्या है तो इसके बारे में अगर बात करते हैं, तो आप देखिए कोई भी जो बिल्डिंग बना होता है ठीक है, तो उस बिल्डिंग में आप देखेंगे कहीं ना कहीं उसमें किसी ना किसी एंगल का यूज हुआ है। ठीक है, अगर हम किसी भी अगर सपोज कीजिए मुझे कोई ब्रिज बनाना है तो इंजीनियर लोग डिसाइड ये करता है कि अगर ये ब्रिज हमको बनाना है यहाँ पे
तो हम अगर इस एंगल से बनाएंगे तो ब्रिज सही तरीके से बनेगा, अगर थोड़ा सा भी इधर होगा तो क्या होगा, ब्रिज गिर जाता है। ठीक है, वैसे ही जो है ना इसका यूज जो है एंगल्स का ना हम डेली लाइफ में बहुत यूज करते हैं। तो क्या क्या यूज करते हैं जो है ना, आप उस एंगल का यूज कहाँ कहाँ होता है हमारे डेली लाइफ में, उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए हम लोग एंगल्स के बारे में पढ़ते हैं कि एंगल्स किसे कहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हम अगर एंगल्स की बात करते हैं तो दो लाइन जो है ना, मान लीजिए कि अगर कोई दो लाइन सेगमेंट है, ठीक है, सपोज कीजिए कि एक लाइन सेगमेंट यहाँ पे है, इसका नाम क्या है, ओ और ए, यानी ओ से लेकर एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, और इस लाइन सेगमेंट को एक और लाइन सेगमेंट क्या करता है, ज्वाइन करता है, ठीक है, और इसका नाम रखते हैं हम लोग बी। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि एक ओबी लाइन है और एक क्या है, ओए लाइन है। ठीक है, अब इन दोनों का जो मीटिंग पॉइंट है, मीटिंग पॉइंट का मतलब ये है कि जहां ये दोनों मिल रहे हैं ना, तो उस मीटिंग पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं, यानी ये आपका क्या हो गया, एंगल। इस पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल। तो इसका सिंपल सा अगर डेफिनेशन लिखना होगा हमें तो क्या लिख सकते हैं कि व्हेन टू लाइन सेगमेंट मीट ईच अदर एट अ पॉइंट देन दी मीटिंग पॉइंट इज कॉल्ड एंगल। स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ कि जो दो लाइन आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे, एक है ओ से लेकर बी तक और जो है ओ से लेकर ए तक, इस मीटिंग पॉइंट को हम क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे ना एंगल को अगर हमें रिप्रेजेंट करना होगा, उसका सिंबल क्या होगा ना, तो आप जो सिंबल ये दिख रहे हैं ना, यही इसका क्या है, एक तरीके का सिंबल है, यानी अगर मुझे इसका नाम लिखना होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए ओ बी। ठीक है, तो ये जो है ना, ये आपका एंगल का क्या हो गया, सिंबल हो गया। अगर कहीं आप देखेंगे इस सिंबल को तो घबराना नहीं है, क्योंकि ये सिंबल किसका है, ये एंगल का सिंबल है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जो है ना, हमने एंगल का डेफिनेशन तो पढ़ लिया कि हाँ ये एंगल का डेफिनेशन क्या होता है, जब दो लाइन आपस में मिलते हैं तो उस मीटिंग पॉइंट को हम क्या कहते हैं, एंगल्स कहते हैं। अब कितने प्रकार का एंगल्स होता है उसको जो है ना अभी हम लोग बारी बारी से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है ना हम लोग पढ़ते हैं जीरो एंगल के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, जीरो एंगल। आपके मन में ये ख्याल आएगा कि सर क्या बोल रहे हैं, जीरो एंगल क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है ना कि किसी भी एंगल की शुरुआत जो होती है ना वो जीरो से ही होती है, यानी हम कह सकते हैं कि जिस एंगल का मेजरमेंट जीरो डिग्री है वो क्या कहलाएगा, आपका जीरो एंगल कहलाएगा। अगर आपको डेफिनेशन लिखना होगा यहाँ पे तो उसका डेफिनेशन आप लिख सकते हैं ऐसे। तो देखिए यहाँ पे जो है ना हम लिखते हैं जीरो एंगल, तो यहाँ पे आपका लिखा आएगा मेजरमेंट ऑफ एनी एंगल is zero degree is called zero angle, यानी किसी भी एंगल का मेजरमेंट अगर जीरो है तो हम क्या कहते हैं, जीरो एंगल कहते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका, एक हम लोग डॉट ले सकते हैं, ये डॉट क्या हो गया आपका, ये डॉट जो है आपका जीरो एंगल का एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद जो है ना हम लोग आगे बढ़ते हैं एक्यूट एंगल के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख रहे होंगे ना कि एक्यूट मैंने लिखा है, ए को बड़ा लिखा है और क्यूट को अलग कर दिया है, क्यूट मतलब बहुत प्यारा सा एंगल है। ठीक है, तो अब इस प्यारे से एंगल के बारे में हम पढ़ते हैं कि इसमें क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होता है कि हमने तो जीरो डिग्री के बारे में पढ़ लिया, लेकिन जो एंगल जीरो डिग्री से क्या होता है, ज्यादा होता है, और 90 डिग्री से क्या होता है, उसमें कम होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं। तो हम लोग इसका सिंपल सा डेफिनेशन लिख सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ एनी एंगल विच इज मोर देन जीरो डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। स्टूडेंट्स इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी जो एंगल है ना जो जीरो डिग्री से क्या होता है, ज्यादा होता है, लेकिन 90 डिग्री से क्या होता है, कम होता है, उसे हम क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है ना कि अगर मुझे इसको दिखाना होगा सिंबल बना के, तो अगर ये हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, तो आपका एग्जांपल क्या हो जाएगा, ये जैसे सपोज कीजिए कि 60 डिग्री का एंगल है, कितने डिग्री का एंगल है, 60 डिग्री का, और इसका आप नाम दे सकते हैं, यहाँ पे आप लीजिए ए और इसको ओ मान लीजिए और इसको बी मान लीजिए, तो एंगल ए ओ बी का जो मेजरमेंट होगा आपका स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक जो है ना हमने किस
दो एंगल के बारे में पढ़ा। पहला एंगल क्या था? जीरो एंगल। जीरो एंगल का मतलब यही होता है, फिर से एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं, कि किसी भी एंगल का मेजरमेंट कितना होता है? जीरो डिग्री होता है, उसे हम क्या कहते हैं? जीरो एंगल कहते हैं। उसके बाद आपका आता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल में क्या होता है कि जिस भी एंगल का मेजरमेंट जो है वो जीरो डिग्री से क्या होता है? ज्यादा होता है, लेकिन 90 डिग्री से क्या होता है? कम होता है, उसे हम क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल कहते हैं। तो देखिए जो है अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑब्ट्यूज एंगल के बारे में, कि ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है ना एक्यूट आपने अभी पढ़ा कि जीरो डिग्री से ज्यादा होता है और 90 डिग्री से लेस होता है, लेकिन ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है ना कि 90 डिग्री से ज्यादा होता है और 180 से आपका क्या होता है? कम होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है ना कि अगर हम ऑब्ट्यूज एंगल की बात करें तो ऑब्ट्यूज एंगल जो है आपका, हम पहले इसका फिगर बना देते हैं। सपोज कीजिए कि एक लाइन है और इस लाइन पे जो है मैंने 120 डिग्री का एंगल बनाया है। कितने डिग्री का एंगल बनाया है मैंने? 120 डिग्री का, और इसका आप नाम दे सकते हैं AOB। तो इसका अगर डेफिनेशन लिखना होगा स्टूडेंट्स तो कैसे एक डेफिनेशन लिख सकते हैं? लिख सकते हैं सिंपल सा डेफिनेशन, एन एंगल हुज मेजरमेंट इज मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है एग्जांपल, जैसे मैंने आपको पहले ही दे रखा है कि 120 डिग्री क्या है, यहाँ पे एक ऑब्ट्यूज एंगल का एग्जांपल है। तो दूसरा जो है एग्जांपल आपका हो सकता है 90 के बाद जो भी आपको बड़ा नंबर हो जाएगा, यानी 91 डिग्री भी आपका एग्जांपल हो सकता है, फिर से आपका 189 डिग्री भी एग्जांपल हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे जो है ना आपके किसके एग्जांपल है? ऑब्ट्यूज एंगल के एग्जांपल है। अब जो है ना हम लोग चलते हैं अपने दूसरे एंगल की तरफ। हमारा जो दूसरा एंगल है वो है आपका रिफ्लेक्स एंगल। क्या है स्टूडेंट्स? रिफ्लेक्स एंगल। तो हम लोग जो है ना रिफ्लेक्स एंगल के बारे में पढ़ने वाले हैं कि रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे रिफ्लेक्स एंगल जो है ना 180 से क्या होता है? ज्यादा होता है, लेकिन ये जो है ना 360 से क्या होता है? लेस होता है, ठीक है। तो इसके बारे में जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए अभी जो है हमने रिफ्लेक्स एंगल के बारे में थोड़ा बहुत बताया आपको। रिफ्लेक्स एंगल जो होता है वो 180 से क्या होता है? ज्यादा होता है, लेकिन 360 से क्या होता है? कम होता है। तो देखिए इसका भी जो है मैं आपको सबसे पहले फिगर ही बना देता हूँ। तो सपोज कीजिए कि आपका ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, और इस स्ट्रेट लाइन पे जो है ना मैंने एक नीचे की तरफ एक एंगल बनाया, ठीक है, और इसका मैंने डिग्री जो रखा है वो 270 डिग्री। एग्जांपल के तौर पे जो है मैंने इसका 270 डिग्री रखा। इसको ए मान लीजिए, इसको ओ मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, यानी एंगल AOB इज इक्वल टू 270 डिग्री। और देखिए स्टूडेंट्स अगर मुझे इसका डेफिनेशन लिखना होगा तो सिंपल सा, जैसे इसका डेफिनेशन हम लिखते आ रहे हैं सेम उसी तरीके से आप इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो डेफिनेशन क्या हो सकता है कि एन एंगल हुज मेजरमेंट इज मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। देखिए स्टूडेंट्स अभी जो है ना हमने ऑब्ट्यूज एंगल के बारे में, रिफ्लेक्स एंगल के बारे में पढ़ लिए। अब जो है हम चलते हैं कंप्लीट एंगल के बारे में, कि कंप्लीट एंगल क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है कंप्लीट एंगल का आप मतलब समझते हैं। कंप्लीट का मतलब क्या होता है? पूरा। यानी अगर कोई भी एंगल जो है ना जिसका मेजरमेंट कितना डिग्री हो? 360 डिग्री हो। कितना मेजरमेंट हो उसका? 360 डिग्री हो, उसे हम क्या कहते हैं? कंप्लीट एंगल कहते हैं। सपोज कीजिए कि ये स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन पे जो है ना ये ए और बी है, और यहाँ पे एक एंगल बन रहा है जो कि ये पूरा घूम रहा है, ठीक है। तो इस पूरे जो ये जो पूरा घूम रहा है ना, इसको हम क्या कहेंगे? क्योंकि देखिए ये पूरा सर्कल, आप सर्कल के बारे में थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, तो सर्कल में टोटल सम ऑफ ऑल एंगल्स कितना होता है? एक ही वो चारों तरफ जो होता है वो 360 का होता है। यानी हम कह सकते हैं कि एन एंगल हुज मेजरमेंट इज 360 डिग्री इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सिंपल सा डेफिनेशन कि एन एंगल हुज मेजरमेंट इज 360 डिग्री इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। यानी जिस एंगल का मेजरमेंट जो है 360 डिग्री होता है उसे हम क्या कहते हैं? कंप्लीट एंगल कहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स अभी जो है हमने कंप्लीट एंगल के बारे में, रिफ्लेक्स एंगल के बारे में, एक्यूट एंगल के बारे में, ऑब्ट्यूज एंगल के बारे में पढ़ा। तो और भी बहुत सारे एंगल्स होते हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो अभी जो है राइट एंगल के बारे में पढ़ने वाले हैं और स्ट्रेट एंगल के बारे में, कि ये एंगल्स क्या होते हैं।
देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है ना, आप राइट एंगल के बारे में सुने होंगे कि राइट एंगल ऐसा एंगल होता है जिसका मेजरमेंट कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, उसे हम क्या कहते हैं, राइट एंगल कहते हैं। तो चलिए ठीक है, इसका जो है आपको मैं फिगर बना के दिखाता हूँ। तो सबसे पहले जैसा कि हम लोग टॉपिक का जो नाम होता है पहले लिख लेते हैं कि राइट एंगल, ठीक है। अब राइट एंगल जो है ना एकदम सीधा स्ट्रेट होता है, ठीक है, इस तरीके से होता है। और यहाँ पे जो है 90 डिग्री बनता है। अगर आपको नाम देना है, जो भी नाम देना, दे सकते हैं, अपना भी नाम लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, ए ओ बी, ठीक है। तो इस एंगल ए ओ बी का मेजरमेंट कितना डिग्री है स्टूडेंट्स, 90 डिग्री। तो अगर आपको डेफिनेशन लिखने के लिए कहा जाएगा तो आपको डेफिनेशन आसानी से लिख सकते हैं। क्या डेफिनेशन होगा कि एन एंगल हुज मेजरमेंट इज 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। तो हम लोग यहां पे लिख देते हैं, एन एंगल हुज मेजरमेंट इज 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे जो है ना हमने राइट एंगल के बारे में पढ़ा है। अब उसके बाद जो है ना हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रेट एंगल के बारे में कि स्ट्रेट एंगल क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे जो स्ट्रेट एंगल होता है आपका वो सीधा होता है। आप स्ट्रेट का मतलब ही क्या समझते हैं, सीधा। स्ट्रेट का मतलब क्या होता है, सीधा। यानी जो एंगल जिसका मेजरमेंट 180 डिग्री होगा, कितना डिग्री होगा स्टूडेंट्स, 180 डिग्री होगा, उसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रेट एंगल कहेंगे, ठीक है। तो लिख सकते हैं यहाँ पे एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और इसका डेफिनेशन आपको लिखना होगा तो लिख सकते हैं, एन एंगल हुज मेजरमेंट इज 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। और देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हो सकता है थोड़ी सी राइटिंग जो है वो नीचे वाली समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन आपके इसका जो डेफिनेशन मैंने बताया है आप इसको सुन के भी लिख सकते हैं। एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर देता हूँ कि एन एंगल हुज मेजरमेंट इज 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल, ठीक है। अभी जो है हम लोग चलते हैं अपने दूसरे एंगल्स की तरफ। तो दूसरा एंगल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि क्लास सेवेंथ का जो चैप्टर शुरू होता है वो यहीं से शुरू होता है। मेनली यही चीज जो है ना आपको बहुत काम करने वाला है। तो ये दो जो एंगल है आपके वो है कंप्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल। देखिए ये सेवेंथ क्लास के हिसाब से हम लोग पढ़ रहे हैं अभी इस वीडियो में। तो यहाँ पे जो है ना जितना भी मैंने एंगल्स के बारे में अभी बातें किया है वो सारे एंगल्स भी इंपॉर्टेंट है और क्लास सिक्स क्लास फिफ्थ में आपने पढ़ चुके होंगे। तो अभी जो है ना हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्लीमेंट्री एंगल के बारे में कि कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है ना मैंने अगर जिक्र किया है कंप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में तो इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको बता भी देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे कहता है कि अगर किसी भी दो एंगल का सम 90 डिग्री हो जाता है, कितना डिग्री हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, कंप्लीमेंट्री एंगल कह सकते हैं। तो लिख सकते हैं सम ऑफ एनी टू एंगल्स हुज सम ऑफ एनी टू एंगल्स इज 90 डिग्री। सिंपल सा डेफिनेशन लिख लेते हैं, ये किसी भी दो एंगल का सम कितना होता है, 90 डिग्री होता है, उसे हम क्या कह सकते हैं, कंप्लीमेंट्री एंगल्स कह सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप देख सकते हैं, अगर मैंने दो पेयर लिया 30 डिग्री का और 60 डिग्री का, अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना डिग्री आएगा स्टूडेंट्स, 90 डिग्री आएगा। उसी तरीके से अगर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं तो मान लीजिए कि दूसरा एग्जाम्पल जो है 40 लेते हैं और दूसरा लेते हैं 50, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा, ठीक। और देखिए उसके बाद जो आपका नेक्स्ट एंगल आता है वो क्या है आपका, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में भी हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, सप्लीमेंट्री एंगल होता क्या है कि किसी भी दो एंगल का जो सम है ना वो 180 डिग्री होता है, कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो लिख सकते हैं यहाँ पे सम ऑफ एनी टू एंगल इज 180 डिग्री इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। यानी किसी भी दो एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हैं, हम ले लेते हैं आपका 60 डिग्री प्लस 120 डिग्री यानी 180 डिग्री। उसके बाद जो है हम ले सकते हैं 30 डिग्री प्लस 150 डिग्री, ये भी आपका कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जो है ना अभी जितना भी एंगल्स के बारे में था हमने पढ़ लिया है, अभी और भी एंगल्स हैं जैसे लीनियर पेयर्स हैं, तो इन सब चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बारे में। लेकिन अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है उसके पे थोड़ा सा
क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन करने से क्या होगा कि आपको ये आसानी से समझ में आएगा। देखिए बाकी जितना भी डेफिनेशन है ना वो सब याद करने वाली चीज है, लेकिन मेनली जो क्वेश्चन हम लोग का बनेगा वो इस पे बनेगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे और सप्लीमेंट्री एंगल्स पे। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी जो है ना हमने एंगल्स के बारे में पढ़ाई किया, ठीक है, तो अभी जो है ना उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो कुछ क्वेश्चन को जो है हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स पे ही करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और क्लास सेवन्थ के हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है ना कि पहला क्वेश्चन ये कहता है कि फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स, यानी इसमें जितने भी एंगल्स दिए हुए हैं उन सारे एंगल्स का जो है आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स निकालना है। तो चलिए जो है उस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को हम लोग निकालते हैं, कैसे निकलेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है कि अगर आप पहला जो क्वेश्चन देखेंगे वो क्या दे रखा है, 60 डिग्री, यानी हमें 60 डिग्री का क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो अभी जो है आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो है ना वो किसी भी दो एंगल का सम कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो इसका मतलब सीधा सा मतलब ये निकल के ही होता है कि अगर हम इस 90 में से 60 को घटा देंगे तो मेरा दूसरा वाला एंगल आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो है ना सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि सॉल्यूशन जो है ए वाले का, ए का सॉल्यूशन करते हैं, लिखेंगे लेट द अदर एंगल बी एक्स डिग्री, यानी दूसरे एंगल को हमने क्या मान लिया, एक्स डिग्री मान लिया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे एक्स डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों लिखे हम 90 यहाँ पे, क्योंकि दोनों का सम कितना होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो अगर इसको हम अगले स्टेप पे जाते हैं तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो आपका आंसर कितना आएगा स्टूडेंट्स, 30 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे जो है ना हम लोग इस जो पहला वाला है उसका सोल्यूशन किए हैं, बाकी आप दो क्वेश्चन बोर्ड पे देख रहे होंगे, ये क्वेश्चन बी नंबर और सी नंबर, आप इसको जो है ना इसका आंसर निकाल कर कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका आंसर इसका ये आया है, ठीक है। तो चलिए जो है बाकी जो एंगल्स है जो सेकंड क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द एंगल विच इज इट्स ओन कॉम्प्लीमेंट, हमें जो है ना ऐसे एंगल को फाइंड करना है जो खुद का कॉम्प्लीमेंट है, यानी हम जो एंगल है अगर उस एंगल को जोड़ते हैं, मतलब जैसे मान लीजिए कोई एंगल है, अगर एक्स एंगल है और उसका कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो एक्स ही आता है, तो जोड़ने के बाद कितना आता है, 90 डिग्री आता है। तो उस एंगल की हमें वैल्यू पता करनी है कि वो एंगल क्या हो सकता है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे सिंपल सी भाषा में अगर हम बात करें तो 90 डिग्री को अगर हम आधा करते हैं यानी 45 डिग्री होता है, तो 45 प्लस 45 जोड़ने कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो सेम तरीके से जो है इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। यहाँ पे जो है ना हम एंगल को कितना मान लेते हैं, सॉल्यूशन में लिखेंगे कि एंगल इज इक्वल टू एक्स डिग्री, ठीक है। अब दो एंगल है, दोनों सेम होगा, तो लिखेंगे यहाँ पे एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, आप इसको जोड़ेंगे तो 2x बन जाएगा, और x को निकालेंगे तो 90 बाई 2 यानी आपका क्या बन जाएगा, 45 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है आप एक इसका आंसर कह सकते हैं कि हम लोग जो है ना कोई भी जो एंगल का अगर सेम कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है तो हमेशा जो है 45 ही आता है, क्योंकि 45 ही ऐसा नंबर है जिसको हम जोड़ेंगे सेम टू सेम, मतलब जैसे 45 को 45 में जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आता है। तो एक तरीके से आपके आंसर जो है ना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है, बहुत सारे आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए ठीक है, एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है कि फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है ना हमें सप्लीमेंट निकालना है, ये जो एंगल्स दिए हुए हैं उनका क्या निकालना है, सप्लीमेंट निकालना है। तो चलिए जो है हम लोग एक पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं कि लेट दी अदर एंगल बी एक्स डिग्री, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हम जैसा जानते हैं कि दोनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है, सप्लीमेंट में कितना होता है, 180। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे ना x प्लस 125 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 180 माइनस 125 डिग्री। अब इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 55 डिग्री। तो देखिए आपका जो है ना इसका सप्लीमेंट जो है 125 कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। इसमें बाकी दो क्वेश्चन है बी नंबर और सी नंबर,
आप 64 और 38 के सप्लीमेंट निकालकर जो है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो है ना इस पार्ट में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, आगे वाला जो पार्ट आएगा उसमें हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बारे में, लिनियर पेयर्स के बारे में, ठीक है, उसमें और भी बहुत सारी बातें करेंगे। तो आज किस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।